हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। बरसात का मौसम आ गया है और अपने साथ पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें भी लाया है। बरसात के मौसम में कौन सी बातों का ध्यान देना है, चलो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने के पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें और ज़्यादा पोल्ट्री के रिलेटेड वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले तो आपके पोल्ट्री के ऊपर जो भी सीमेंट का पतरा है उसमें से अगर पानी नीचे में आ रहा होगा, पानी नीचे में अगर गिर रहा होगा तो सबसे पहले उसकी रिपेयरिंग करवा लीजिए, वरना आपका पूरा का पूरा लीटर गीला हो जाएगा। साथ ही में बरसात के मौसम में आपके पोल्ट्री के आजू बाजू का जितना भी एरिया होता है उसमें बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो उसके लिए भी पहले से ही मैनेजमेंट करके रखिए कि किस तरह से पानी को बाहर निकालना है जिससे कि आपके पोल्ट्री के आजू बाजू के एरिया में पानी जमा ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप प्लास्टिक के पर्दे के जगह गन्नी बैग का यूज कर सकते हो, उससे आपकी वेंटिलेशन भी काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। पोल्ट्री में प्लास्टिक का पर्दा यूज करने से क्या होगा कि वेंटिलेशन एकदम से आपका रुक जाएगा, तो आप जरूर पोल्ट्री फार्मिंग बरसात के मौसम में करते समय गन्नी बैग का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद आपके पोल्ट्री को जो भी फीड लगने वाला है वो बैच आने के तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही स्टॉक करके रख दीजिएगा, क्योंकि क्या पता जिस दिन आपके चिक आए और आपके पास अगर फीड ना हो और आपको फीड उसी दिन चाहिए और उस दिन बहुत बारिश आ रही होगी तो आपको आपके पोल्ट्री फार्म पर फीड लाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ जहाँ पर भी आप अपना फीड स्टोर करके रखने वाले हो वो जमीन से 1 फीट ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ जिस भी दीवार के आजू बाजू में आप पोल्ट्री फीड को रखने वाले हो उस दीवार से भी आपको वो फीड को दूर रखना है। फीड को जमीन या कोई भी ऊपर वाली चीज़ रखने के पहले उसके नीचे में आपको प्लास्टिक का पर्दा नीचे डाल देना है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है लीटर। आप सभी को पता है कि बरसात के मौसम में लीटर, जिसको बहुत जगह पर भूसा या फिर कोंडा भी कहा जाता है, इसके एक तो बहुत रेट बढ़ जाते हैं, रेट बढ़े तो बढ़े लेकिन इसकी जो भी मार्केट में अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। कई कई पोल्ट्री फार्मर को तो ये मिलता ही नहीं। ये दिक्कत आपके साथ ना हो इसके लिए लीटर का स्टॉक पूरा का पूरा आप पहले ही करके रखें। ना सिर्फ स्टॉक करके रखें, जितना आपको रेगुलर लगता है उससे आपको इस बार लीटर का स्टॉक ज़्यादा करके रखना है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग बरसात में करते समय लीटर ज़्यादा गीले होने के चांसेस होते हैं, तो उसको बार बार सूखा करने के लिए आपको गीले लीटर में सूखा कुंडा डालते रहना होगा। इसके लिए स्टॉक आपका कुंडा का, भूसा का आपके पास बरसात के मौसम में ज़्यादा होना चाहिए। लीटर गीला होने की वजह से पोल्ट्री फार्मिंग में अमोनिया गैस का जो भी रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, 25 से 30 स्क्वायर फीट के एरिया में 1 किलो चूना आप यूज कर सकते हो, तो चूना जो भी है उसका भी स्टॉक आप पहले से ही करके रखिएगा। बरसात के मौसम में आप जो भी पोल्ट्री के लिए पानी यूज कर रहे होगे, चाहे वो कुएं का हो या फिर मोटर मशीन का हो, बरसात के मौसम में फ्रेश क्वालिटी वाले वाटर की जो भी रेशियो होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए बरसात के मौसम में आप वाटर सैनिटाइजर देते समय उसका इस्तेमाल दोगुना कीजिएगा। साथ ही साथ बरसात के मौसम में एक बात मैंने और नोटिस की है कि इकोली और कॉक्सोडिस के चांसेस बाकी सीजन के मुकाबले बरसात के मौसम में बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो इस समय में क्या होता है कि जैसे ही आपको कॉक्सोडियस और इकोली की प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल स्टोर पे या फिर जो भी सप्लायर लोगों के पास है वो उस समय में उनके पास वो स्टॉक नहीं होता मेडिसिन का, तो आप पहले से ही इकोली और कॉक्सोडियस की प्रिवेंशन के तौर पर मेडिसिन का स्टॉक करके रखेंगे तो आपके लिए ही बहुत ही बेहतर होगा। ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जिससे आप बरसात के मौसम में अच्छे से मैनेजमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, मैं उसी भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के एक नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।